वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब हुनरकर व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हो गए। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई के सेंट्रल लाइन के एक ड्राई फिश का मार्केट, जो कि ये ड्राई फिश का मार्केट पड़ता है कल्याण में। तो आज हम चल के चेक कर लेंगे कि कल्याण के ड्राई फिश मार्केट में कौन कौन सी ड्राई फिश अवेलेबल है, उसके क्या क्या रेट्स है, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। और कल्याण के ड्राई फिश मार्केट में कैसे पहुंच सकते हैं उसकी भी पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि आपकी फेवरेट ड्राई फिश कौन सी है और आप कौन से फिश मार्केट से फिश खरीदते हो, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और ऐसे ही मुंबई के फिश मार्केट के घर बैठे टूर करने के लिए, मुंबई के कौन कौन सी एरिया में कौन कौन से फिश मार्केट उसकी जानकारी पाने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए चल के चेक कर लेते हैं कि कल्याण के इस ड्राई फिश मार्केट में कौन कौन सी ड्राई फिश अवेलेबल, उसके क्या क्या रेट्स है और कैसा है कल्याण का ड्राई फिश मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कल्याण स्टेशन। कल्याण स्टेशन उतर के आपको वेस्ट में आना है। तो वेस्ट में आके आप ये जो स्काई वॉकवे देख रहे हो, वो वाला वॉकवे जाता है रुक्मणी हॉस्पिटल के साइड में, और रुक्मणी हॉस्पिटल के बाजू में ही है कल्याण का ड्राई फिश का मार्केट। ओके, तो चलिए इस कल्याण के ड्राई फिश मार्केट में कौन कौन सी ड्राई फिश अवेलेबल, उसके क्या क्या रेट्स है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और शॉप ओनर से बात करते हैं, उनके पास कौन कौन सी ड्राई फिश अवेलेबल है। तो चलिए शॉप के ओनर से बात करते हैं। तो सर, ये आपके पास कौन कौन सी ड्राई फिश हमारे को देखने मिल सकती है? हमारे पास ड्राई फिश के अंदर जितना भी आइटम आता है तकरीबन सभी रहता है। हाँ हाँ हाँ, और हमेशा मिलता है। ओके ओके, इंशाल्लाह हमेशा आपको मिलेगा। ओके ओके, कौन कौन सी ड्राई फिश आपके सभी अवेलेबल है? जवला है, करदी है, मांदेली है, डांडी है, ओके, सोड़े है, सुरमई है, हाँ हाँ, बांगड़े है। ओके, तो आपके पास ये ड्राई फिश है होलसेल में मिलेगा या रिटेल में मिलेगा? दोनों में मिलेगा, होलसेल और रिटेल में दोनों में। होलसेल में लेना रहेगा तो कितना लेना पड़ेगा? होलसेल में 1.25 किलो से लेके 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जैसा चाहिए आपको। और ये पूरा मार्केट कब ओपन कब रहता है? ओपन हर रोज ओपन है। और टाइम क्या होता है? सुबह 8 बजे से रात के 8:30 बजे। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस वाले बोमबिल के बारे में। तो अंकल, इसका बोमबिल का रेट क्या, इसका क्या रेट है? इसका बोमबिल 1 किलो का भाव 350-400 रुपए, जो कि ये है बोमबिल, जो कि बड़ी साइज की बोमबिल है, जो कि पर केजी इसका 350 रुपए रेट है। और ये होलसेल रेट है कि रिटेल रेट है? ये अभी कुलकों का भाव ऐसा ही चला है क्योंकि माल की शॉर्टेज है। हाँ हाँ, रेन रोज गिर रही है, बारिश रोज गिर रही है। ओके ओके, माल की शॉर्टेज है। हाँ हाँ, नहीं तो भाव कम हो जाता है इसका, हमेशा ये भाव नहीं रहता। ओके, नहीं मार्केट के हिसाब से रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, जैसे फिश अवेलेबल होगी वैसे होते। तो ये 350 रुपए पर केजी का बोमबिल है। और बात करते हैं ये वाले क्या अंकल, ये वाले 200 रुपए किलो बोमली है। हाँ, ये इसमें की है लेकिन छोटी बोमली है, छोटी साइज की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये 200 रुपए, ये छोटी साइज की है। और ये वाली जैसे कि आपको बताया मैंने, ये बड़ी साइज की है और ये छोटी है, इसका 200 रुपीज पर केजी है ना ये? ओके, और ये बात करते हैं इस मादिली के बारे में, 150 रुपए। और ये मादिली है जो कि 150 रुपीज पर केजी है ना, और ये रिटेल प्राइस है। और भी इनके पास ड्राई फिश है, जैसे कि ये वाली है, ये वाली है, इसको टेंडली बोलते हैं अंकल, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर डांडी बोलते हैं, डांडी बोलते हैं। ओके, तो गाइस एक बार आप जूम करके दिखा दो, यहाँ पे ये है डांडी। तो इसका रेट क्या है भाई? 250 से 300 रुपए किलो, ये 250 से 300 रुपए केजी इसका रेट, डिपेंड रहता है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। और ये 250 से 150 रुपए पर केजी इसका रिटेल रेट है। और ये है कोलिम, तो अंकल इसका क्या रेट है? इसका 150 से 200, 250, तीन क्वालिटी का अवेलेबल होता है इनके पास। तो इसका क्या रेट आपने बताया? अंदर का अलग अलग भाव है। ओके, तो इसका कितना रेट है? इसका इसका अभी फिलहाल 250, इसका 250 रुपीज पर केजी इसका रेट है। और ये है इसका क्या रेट अंकल? इसका 300 रुपए, 300 रुपए पर केजी इसका रेट है। और इस फिश का नाम क्या बताया हमारे व्यूवर्स को? सुकट, इसको जो के करंदी बोलते हैं। रुपीज पर केजी। और इस ये वाला क्या, ये वाला ये क्या माकुल है ना? हाँ, ये कितने का वाला है माकुल? ये भी 150 है। ओके, तो बात करते हैं इस बांगड़े के ड्राई फिश के बारे में। ये आपको नग के हिसाब से मिलेगा ना, तो इसका एक नग कितने का है? इसका एक जो कि इसका वन पीस जो कि एक नग
पांगड़ा जो कि ड्राई फिश का है वो आपको 15 रुपए में मिल जाएगा। तो ये है बड़ी साइज की वाकटी, तो अंकल से जान लेते हैं। अंकल इसका क्या प्राइस है ये वाला? ये फिलहाल अभी इसका भाव 400 रुपए चल रहा है। 400 रुपए और ये 1 kg का पैकेट है क्या? तो ये 1 kg का पैकेट है और ये 400 रुपए इसका रेट है। अंकल इसका रेट है ना, क्या कोई अगर लेने आता है तो रेट अप एंड डाउन होते रहता है क्या? अप एंड डाउन होने की इसकी वजह ये है कि एक जैसा माल की तो फिशिंग ज्यादा हो गई तो माल का भाव डाउन हो जाता है बाजार में, मार्केट में माल ज्यादा आ गया तो भाव डाउन हो जाता है, और माल बाजार में माल की मरतूब नहीं है, दरिया में तूफान है, माल के आने की कोई आशंका नहीं है, तो फिर इसका भाव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये है सुरमई की ड्राई फिश, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ी साइज की सुरमई है। तो ये सुरमई की ड्राई फिश पर केजी के हिसाब से है ना? केजी के हिसाब से सॉल्टेड है ये। ओके ओके, तो इसका रेट क्या है? इसका रेट है अभी फिलहाल रेट है इसका 400 रुपए। 400 रुपए पर केजी है ना इसका रेट है? भाव उतरते चढ़ते उतरते रहता है। ओके, 400 रुपीज इसका पर केजी इसका रेट है। तो अंकल इसके बारे में बताइए, ये वाले क्या है? ये वाले ये सोड़े है। सोड़े तो कितने का पैकेट है ये वाला? बोलते जिसको उठ रहा है। हाँ हाँ, ये 250 से 302 ऐसा आता है। 250 रुपए इसका एक पीस, आपको ये पैकेट 250 में मिल जाएगा। पाव किलो का पैकेट है। ओके, और ये वाला क्या? ये वाले ये पाव किलो हेडलेस कैनलेस है, ये साफ किए हुए है ना? हाँ। तो ये पैकेट कितने का? ये वाला 150 से 200 रुपए। 150 से 200 रुपए इसका रेट है। ओके, तो जितना हो सके मैंने इस कल्याण के ड्राई फिश मार्केट को एक्सप्लोर करके बताया मेरे आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस ड्राई फिश के मार्केट में, जो कि कल्याण में ड्राई फिश का मार्केट है, तो आप सेंट्रल लाइन में रहते हो तो आप इस मार्केट में ज़रूर विजिट करो। आपको बहुत सी टाइप की यहाँ पे ड्राई फिश आपको देखने मिल सकती है। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बात ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट ड्राई फिश कौन सी है। मेरी तो फेवरेट ड्राई फिश वो भी, पर आपकी कौन सी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।